अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सारे आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। तो जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो वेलकम बैक होगा आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं अभी ऊपर आया था, तो ना ये जो मेरी है ना, ये जो डक जो है ये बाहर घूम रही है। तो ये ना मेरे ख्याल से बाहर खाने के लिए आई हुई, क्योंकि सुबह टाइम तो बैठी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे मक्खियाँ ढूंढ ढूंढ के खा रही है, जो जो इसको मक्खी मिली जा रही है ना वो खाई जा रही है। ये देखें, तो बस देखते हैं अभी इसको ना, इसको कुछ खिलाते हैं, इस तरह फिर जाके बैठ जाना, क्योंकि मैंने इसको सुबह टाइम फीड खिलाई थी ना, फिर दोबारा जाकर उसके ऊपर बैठ गई थी। तो ये वाला मुर्गा ना मैं ना ज़िबा करवाने लगाऊँ या किसी को देने लगाऊँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसको कल भी दे आना, मैंने किसी से बात की हुई है, बस उसको कल दे आनी है। ये मुर्गा देख के ना फिर हम इसकी जगह ना कोई न्यू मुर्गा लेके आएंगे। ये वाला मुर्गा ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये देखें, मैं हल्का सा पैर आगे करता हूँ ना, ये देखें फुल होशियार, जिसको कहते हैं ना, हो जाता है। बाकी ये मुर्गी ऊपर घूम रही है, ये देसी मुर्गी यहाँ पे, ये डब्स भी देख लेते हैं यार। ये अभी तीकर सही नहीं हुई, अभी भी बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो इनका अंडा देख लेते हैं, अंडे इनके दोनों ही पड़े हुए हैं। बाकी ये वाली मुर्गियों को भी देख लेते हैं। तो कल तो मैंने इनके 3 अंडे खा लिए थे, आज देखते हैं। आज अभी तीकर 2 अंडे ही हैं, तो बाकी देखते हैं। तो आज इन्होंने मेरे ख्याल से अंडे नहीं दिए हैं, तो जिससे ही देंगे ना अंडे वो उठा लेंगे। 2 अंडे पड़े हुए हैं, वो फिर मैं उठा लेता हूँ अभी। बाकी ये अभी डक्स यहाँ पे घूम रही हैं, ये देखें इस तरह। तो आज जो ना एक चीज़ लेके आनी है, नहीं हमने वो मैं भी लेके आता हूँ, मैं फिर आपको ला के दिखाता हूँ। तो वो ना मैंने वो भाई से लेके आनी है, वो जिनका बात करता होता ना मैं अक्सर, जिगर मलिक जी, मलिक मिनी जू वाले जो हैं, तो उनके पास जाना, उनसे वो एक चीज़ लेके आनी है, वो मैं ला के ना आपको फिर दिखाऊँगा। तो बस थोड़ी देर तक जाते हैं फिर उनके पास। उधर भी ना आज मैं उनको कहूँगा कि मुझे ना थोड़ा सा अपने सेटअप का वीडियो बना लेते, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। तो कोई इन लोग नहीं देखते, उनके व्लॉग मेरे देखते होंगे, तो उनके भी देख, आपका ना उनका भी लिंक मैं नीचे लगाऊंगा, तो आप उनके भी देखा करें, व्लॉग मेरे भी देखा करें, आगे शेयर भी लाजमी किया करें। तो बस मैं अभी ना थोड़ी देर जाऊंगा उनके पास, तो जाके देखेंगे। मैंने कहा ज़रा ऊपर इंट्रो वगैरह कर लें, और मैं अपनी डक्स को देखने आया था, ये बैठी हुई है कि नहीं, लेकिन ये इसको भूख लगी हुई है। देखे बाहर आके मक्खियाँ ढूंढ के खा रही है। तो ये मक्खियों की ना बहुत ज़्यादा दुश्मन है, जो भी मक्खी इसके पास आके बैठती है ना, इसने खा लेनी है। देखना भी, ये मक्खी इसके पास आई है ना, इसने अभी वो फिलहाल उनके अंदर मुँह मार रही है, ये देखें। बाकी देखते हैं, जब भी बैठेगी ना अंडों के ऊपर मैं फिर आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं ना किया, वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। हमने इंशाल्लाह आगे ना बहुत ज़्यादा न्यू बर्ड्स लेके आने हैं, बहुत जल्दी हमने ना, ठीक है? तो बस जिसने हमारे 1 के सब्सक्राइबर होंगे, हम इंशाल्लाह ना बहुत जल्दी न्यू बर्ड्स लेके आएंगे। तो यहाँ की ना काफ़ी ज़्यादा सफाई भी करने वाली हुई है, तो इंशाल्लाह ना मैं यहाँ की कल भी सारी सफाई कर दूंगा। तो कल जो है ना वो इतवार का दिन है, तो फिर इंशाल्लाह ना हम इसको ना यहाँ की कल सारी सफाई कर देंगे। देखे ना जिससे ये फटियाँ वगैरह पड़ी हुई है ना यहाँ पे, यहाँ की हम कल सारी सफाई कर देंगे, सारी जेंगो हो जानी है, थोड़ी सी सेटिंग भी ना इनकी हिलाएंगे, ठीक है? तो अभी जो है ना मैं उनके अंडे उठा लेता हूँ, फिर मैं वो चीज़ लेके आऊँगा ना, मैं फिर आपको तब दिखाऊँगा। तो ये वाली मुर्गियों के ना मैंने अभी बाहर खुला था, मैं कहा चलो थोड़ा सा घूम लें। वो देसी मुर्गा हमारा ऊपर चले गया, ये आ गया यहाँ पे। तो बाकी ये डक्स का आपको काम है, जो इनको पता तंग करना होता है। तो यहाँ के ना मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ के ना काफ़ी ज़्यादा सफाई करने वाली ही है। तो इंशाल्लाह ना यहाँ की मैं कल भी सारी सफाई कर दूंगा। तो जो न्यू चीज़ लेके आनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर दिखा। ये देखे ना मैं इनको इसलिए नहीं बाहर छोड़ता हूँ, यहाँ पर से मैं लड़ने लग जाते हैं, तो इनको ना फिर इसलिए नहीं मैं बाहर जल्दी छोड़ता हूँ। तो वो देसी वाला जो है ना इंशाल्लाह ना आज या कल जो है ना इंशाल्लाह ने इसको ज़िबा करवा देंगे या इसको दे देंगे इसको, तो वो उसकी वो ईंट नीचे गिर गई, इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा लड़ना आपस में। इनकी ईंट में सेट करके रख देता हूँ, मेरे हाथ को ही ना पड़ जाएगी, इनकी ईंट नीचे गिर गई। चलो इनको मैं बंद कर देता हूँ, मैंने तो अभी अंडे निकाले थे, इसलिए ना ये जरा खुद ही बाहर आ गया, मैंने इनको छोड़ा नहीं था। तो मैं स्टिक इनकी ढूंढ रहा हूँ, इनकी स्टिक कहाँ पर, जिनके साथ इसको पकड़ के बंद करना है। ये पड़ी है, इनको ना इनके साथ पकड़ के ना बंद करते हैं। ये भाई ये सील मुर्गे होते हैं, ये पीछे पड़ जाते हैं, ये देखे स्टिक के पीछे पड़ है। तो मेरा भी इन्होंने क्या करना, आ जाओ अपने घर आ जाओ। चलो इनका केज ज़रा खोलते हैं, फिर इनको अंदर भेजते हैं। चलो इधर अंडे नहीं खाने उसके, ये मुर्गियों के अंडे खा लेते हैं ये डक्स के ना। तो चलो इधर अपने घर जाना है। उधर कहाँ जा रही है, इधर आओ बार वाली साइड पे आओ। चलो तुम यार एक अद्धी चीज़ ने ना मैं तंग ही करना था लाजमी। चलो इधर वाली चलो अंदर। हाँ इनको जो मैंने बंद कर दी, इनको पानी दाना वगैरह सारों को डाला हुआ है। तो बस जहाँ हम अपनी चीज़ लेके आते हैं, मैं आपको ना ला के फिर दिखाऊंगा। ये मुर्गा मुर्गी ऊपर चढ़ गया दोनों डर के ना। अच्छा जो यार अभी ना हम भाई के सेटअप पे आए हैं, मैं अक्सर भाई की करता हूँ तुम बात। तो ये देखें इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं, ये इनका ना मास्टर केज है। तो ये देखें ये डायमंड भी यहाँ पे घूम रही है भाई, इनको बाजरा वगैरह डाल रहे हैं अभी। तो इनको ना मैं अंडे देने आया था, वो सील मुर्गी का, दो मैंने इनको दे दिए। बाकी ये कुछ डब बैठी हुई हैं अभी अंडों पे। तो ये देखें भाई
बैठी है, कुछ ऊपर भी बैठी हुई है। तो ये देखिए कबूतर भी माशाल्लाह ना काफ़ी ज़्यादा इनके पास भी आ रहे हैं। ये इन इनको भी दाना वगैरह डालना है, ये अभी खा रहे हैं। बाकी ये फैंसी भी पड़े हुए हैं कबूतर। तो रैबिट्स भी थे इनके पास, रैबिट्स कहाँ गए, वो एक उन्होंने पकड़ा वो रैबिट्स। तो देखें बाकी ये इनके लिए माशाल्लाह राइट है, रेड आइज है, काफ़ी ज़्यादा ना प्यारा है। बाकी दो और भी थे, एक ये देखें ये आ गया, और भी बाकी केज के नीचे होने हैं, वो देखें एक वो केज के नीचे चले गया। तो ये देखें लबर्ड भी है इनके पास, तो इसको खोलते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, वाइट कलर के हैं और येलो भी हैं बीच में। अच्छा यार अभी ना रात का टाइम है, तो मैं भी नीचे आया हूँ, जो मैं अभी केज लेके आया हूँ ना नया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं ना देखूँ केज लेके आया हूँ, तो अभी ना उसको मैंने ना भाई नीचे वाले पोर्शन में रखा है, तो ना इसको ना हम सुबह टाइम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया। मैं आपको पीछे वाली साइड दिखाता हूँ, सारी रात हो गई है, ये देखिए रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो ना हमने केज ला के ना, ये देखें ये चार पोर्शन है, ये देखें एक दो तीन चार, चार इधर वाली साइड पे, ये देखें इसके दरवाजे फ्रंट साइड पे। तो ना इसकी ना ज़रा हालत थोड़ी सी बुरी है, तो इसको भी हम सुबह टाइम दिखाएंगे आपको। ये देखें बाकी ये वाले चार साइड, ये देखें दो दो डोर हैं, ये तकरीबन भी है, ये देखें टू डोर है ऐसा। तो इसने ये देखें दो चार छः आठ, आठ हैं। तो सिंगल सिंगल अगर गिने तो आठ हैं, अगर डबल साइड गिने तो फिर चार पोर्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा ना खुला है केज है, तो इसकी ना ज़रा हालत बुरी है। तो इसको ना सुबह साफ़ करेंगे सारा, इसके अंदर जो नई फटियाँ लगनी होंगी वो लगाएंगे। इसका एक दरवाज़ा टूटा हुआ है, वो भी हम ये सुबह लगाएंगे ये वाला। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये ना हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। तो ये ना मैं आपको सुबह टाइम से दिखाऊंगा, क्योंकि ना अभी रात पढ़ाई में, तो मैं भी नीचे वाले पोर्शन में हूँ, जिसकी वजह से अभी ये सही नहीं लग रहा है। तो बाकी हमने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है।